بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا صدق اللہ العظیم. हर किस्म दी हमदो सना तारीफात तमजीदात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी जात वास्ते है। बेशुमार ला तादाद अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते साहिबो बुजुर्गो अज़ीज़ साथियो अल्लाह ताला ने इंसान नूं पैदा फरमाया अकलो शऊर अता फरमाया फिर उस तो बाद अल्लाह ने इंसान नू दो रस्ते दिखाए ने वाहदईनाहुन नजदईन एक हदायत वाला रस्ता है और एक गुमराही वाला रस्ता है एक जन्नत वाला रस्ता है और दूसरा जहन्नम वाला रस्ता है और अल्लाह ने दसे है कि अगर मैं रब दी जन्नत दे मेहमान बनना चाहते हो अगर तुसी चाहते हो कि मैं रब तुहाडा मेजबान होवां ते तुसी मेरे मेहमान होवो तो अल्लाह फरमांदे ने फिर दुनिया दे अंदर रह के मैं रब दियां मन्नी जाओ कल कयामत वाले दिन मैं रब तुहाडियां मन्नी जावांगा। अगर रब्बुल आलमीन दी जन्नत चाहिए अल्लाह ताला दी जन्नत दा मेहमान बनना दूसरी तरह ना हाँ बस ठीक अगर चाहते हो अल्लाह ताला कल कयामत वाले दिन तुहानू अपनी जन्नत दा मेहमान बना देवे जन्नत दा दाखला अता कर देवे फिर अल्लाह की भी इतात करो अल्लाह के पाक पैगंबर अली सलातु व सलाम की भी इतात करो। हजरात आज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं इंशाअल्लाह रहमान तुहाडे सामने जन्नत दियां चंद एक नेमतां दा जिक्र करना है। जन्नत दी जिंदगी कैसी जिंदगी होएगी जदों बंदा रब दी जन्नत दे अंदर जाएगा जदों इंसान नू अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल जन्नत अता करनगे की मंजर होएगा जन्नत दे अंदर जदों दाखिल कर दिता जाएगा की अल्लाह पाक अपने उस बंदे नू इनामात देंगे अज इंशाअल्लाह रहमान उन्हें इनामात दा जिक्र किया जाएगा। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए सब तो पहले इस बात नू जान लीजिए कि अल्लाह पाक ने ये जन्नत देनी किन्ना लोगों नू है अल्लाह पाक ने ये जन्नत तैयार किन्ना वास्ते कीती है। आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहे है अल्लाह पाक जन्नतियां दा जिक्र कर रहे ने जिन्हां नू अल्लाह ने कयामत वाले दिन अपनी जन्नत दा मेहमान बनाना है
अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहारातुन व रिज़वानुम मिनल्लाहि वल्लाह बसीरुम बिल्लाइबाद। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। अल्लाह फरमांदे ने तकवा इख्तियार करन वाले रब तो डरन वाले दिल दे अंदर रब दा डर रखन वाले तकवे दी रविश इख्तियार करने वाले। अल्लाह फरमांदे ने असी इन्हां लोगां वास्ते अपनी जन्नत नू तैयार कर छड़िया है, इन्हां लोगां वास्ते अपनी जन्नत नू बनाया है। केड़ी जन्नत? केड़ी जन्नत? फरमाया जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ओ जन्नत जिदे थले नहरां बह रहियां ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ जन्नत केड़ी जन्नत? खालिदीन फीहा, जिदे विच इंसान हमेशा हमेशा रवेगा, कदी भी इंसान नूं उस जन्नत दे विच्चों निकालिया नहीं जाएगा। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम सुनिए। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमारा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा वकाला लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह फरमांदे ने असी इस जन्नत नू अपने मुत्तकी बंदियां वास्ते बनाया है, असी इस जन्नत नू अपने मुत्तकी बंदियां वास्ते तैयार कीता है। अल्लाह फरमांदे ने कल कयामत वाले दिन जदों ये मुत्तकी लोग आ जाणगे, जदों ये परहेजगार लोग आ जाणगे, इन्हां वास्ते जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जाणगे। हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा, जन्नती जन्नत दे नेड़े होणगे, जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जाणगे। मुत्तकी बंदियां वास्ते, परहेजगार बंदियां वास्ते। एक और मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीन आमनु वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। अल्लाह फरमांदे ने बेशक ओ लोग जेड़े ईमान लेके आए और ईमान लेके आन तो बाद नेक अमल कीते, अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दा डर अपने दिल दे अंदर पैदा कीता, हमेशा बदकारियां दे कोलों बचे, हमेशा जनाकारियां दे कोलों बचे, हमेशा अपने आप नू बुरे कम्मां दे कोलों बचाया। फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। कल कयामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने सरां दे बंदियां नूं जन्नतुल फिरदौस अता कर देंगे, जन्नतुल फिरदौस दा दाखला मिल जाएगा। कल्ली जन्नत नहीं जन्नतुल फिरदौस अल्लाह पाक अपने सरां दे बंदियां नूं अता करनगे। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, ऐ वो लोग ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने जन्नत अता करनी है, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने अपनी सोहनी ते अपनी प्यारी जन्नत दा दाखला अता करना है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, हुण जन्नती जन्नती जन्नत दे नजदीक आ गए ने, हुण जन्नतियां दा जन्नत दे अंदर दाखला होण लगा है, जन्नती जन्नत दे अंदर जान लगे ने। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दे कुरान ने एदा भी नक्शा खिंचया है, जन्नती जन्नत दे करीब आ गए ने, इन्हां वास्ते दरवाजे खोल दिते गए ने। हुण जन्नती जदों जन्नत दे अंदर दाखल होए ने ना, मैं सदके जावां कुर्बान जावां, कितना
कितना प्यारा इस्तकबाल होन लगा है, कितना अजीम इस्तकबाल होन लगा है। फरमाया हत्ता इजा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा, दरवाजे खोल दिते गए ने। वकाला लहुम खजाना तुहा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। जन्नतियां ने अपना कदम जन्नत दे अंदर पाया, जन्नत दे अंदर पहला कदम रखे आए। फरिश्ते आंदे ने सलामुन अलैकुम, तुआडे ते सलामती होए, तुसी जींदे रवो वसदे रवो सलामुन अलैकुम। तिब तुम फदखुलूहा खालिदी, हजरात तवज्जो कीजिए जरा। ऐ जन्नती जन्नतियां दा इस्तकबाल हो रहा है, जन्नती जन्नत दे अंदर दाखिल होए ने। इस्तकबाल कितना प्यारा होया है। फरमाया वल मलाइका तू यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फन्यामाउक बद्दार। फरिश्ते अगे बढ़ के इन्हां जन्नतियां दा इस्तकबाल करनगे। फरिश्ते अगे बढ़ के अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, जदों ये जन्नत दे अंदर दाखिल होणगे अल्लाह पाक दे फरिश्ते कहणगे सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फन्यामाउक बद्दार। अल्लाह दे फरिश्ते कहणगे तुहाडे ते सलामती होए, जमीन ते सबर करदे रहो, जमीन ते परेशानियां आ जांदियां सन, मुसीबतां आ जांदियां सन, आजमाइशां आ जांदियां सन। बिमा सबर तुम तुसां बड़ा सबर कीता है, हमेशा सबर दा दामन थाम के रखिया है, कदी भी सबर दा दामन नहीं छड़िया। फन्यामाउक बद्दार अज अल्लाह पाक ने तुहानू उस सबर दा फल दिता है, ते तुहानू अपनी जन्नत दा मेहमान बना दिता है। ऐ जन्नती ने जन्नती जन्नतियां दा जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक इस्तकबाल कर देने पै। अल्लाह दे हुक्म दे नाल अल्लाह जुल जलाल वल कराम दे फरिश्ते इस्तकबाल कर देने पै। मैं सदके जावां कुर्बान जावां, आवाज वारन वा आवाज लगाण वाला आवाज लगा के कहंदा है उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ जन्नत दे अंदर सलामती दे नाल, कोई थानू खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, सलामती दे नाल जन्नत दे मेहमान बन जाओ। हजरात तवज्जो कीजिए जरा। ऐ जन्नत, इस जन्नत दे अंदर जन्नती दाखिल होंदे ने पै, जिस जन्नत दे अंदर जन्नतियां दा इस्तकबाल कीता जा रहा है। और इस जन्नत दा जिक्र अल्लाह पाक ने अपने पाक कुरान दे अंदर भी फरमाया है। ऐ केड़ी जन्नत, केड़ी जन्नत, इस जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने बंदियां वास्ते घने बागात तैयार कीते ने, अपने बंदियां वास्ते दरख्त तैयार कीते ने। इस जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने बंदियां वास्ते छाओं नूं तैयार कीता है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। अज अगर गर्मी लगे, अज अगर लाइट चली जाए, दरख्त दे साए दे नीचे बैठ जाने, ठंडियां हवावां चलदियां ने। ओ जन्नत, ओ जन्नत, उस जन्नत दा भी जिक्र अल्लाह पाक ने इस तरह ही अपने कुरान दे अंदर फरमाया है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, अल्लाह जुल जलाल वल कराम दे कुरान दा सपारा चौथा निकल आया है। सपारा चौथा है, सूरत दा नाम सूरतुन निसा है, ते अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लजीना आमनु वामिनुस्सालिहाती सानुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु خالدین فیہا بدا لہم فیہا ازواج متغرات وندخلہم ذلن ذلیلا।
अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ओ लोग जेड़े ईमान लेके आए थे उन्होंने कमल कीते, कल कयामत वाले दिन अल्लाह उन्होंने जन्नत दा दाखला अता करनगे। ओ जन्नत केड़ी जन्नत है, जन्नातिल तजरी मिल तख्ती अलनार, उते अंदर अल्लाह पाक ने घने बागात अपने जन्नती बंदियां वास्ते तैयार कीते ने। उते नीचे नहरां बहिंदियां ने, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा जन्नती उस जन्नत दे अंदर रहणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगे अल्लाह फरमांदे ने लहुम फीहा ज़वाजुम मुतहरा, उस जन्नत दे अंदर सी अपने बंदियां वास्ते नेक पाक बाज बीवियां नूं वी अल्लाह पाक ने बनाया है। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, अल्लाह पाक ने उस जन्नत दे अंदर अपने बंदियां वास्ते एक लंबी चौड़ी छांव बनाई है। अल्लाह ज़ुल जलाले वल कराम ने ठंडी छांव नूं तैयार कीता है। फरमाया वा ज़िल्लिम ममदूद व माई मस्कूब, दूर तक फैली हुई छांव अल्लाह पाक ने बनाई है। और पानी हर वक्त ही जन्नत दे अंदर चलदा रहिंदा है, पानी हर वक्त ही रवा दवा रहिंदा है। हज़रात आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, जन्नत दी छांव ते जन्नत दे दरख्तां दा ज़िक्र कर रहे हैं। एक दिन जगां दे पीर रब दे हबीब इमाम लंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने, एक दिन नबी पाक अली सलातो व सलाम ने सहाबा नु मुखातब करके फरमाया, मेरे सहाबा दी जमात जन्नत दे अंदर एक दरख्त ऐसा है, उस दरख्त दी छांव दे नीचे अगर एक सवार सवारी ते बह के 100 साल भी दौड़दा रवे ना, ते उस दरख्त दी छांव कदी खत्म नहीं होएगी। उस दरख्त दा साया कदी खत्म नहीं होएगा। ते पता जे जन्नत दे अंदर वो दरख्त लगदा किवें आ? नबी पाक अली सलातो व सलाम ने अपनी नबूवत वाली जुबान दे विचों इरशाद फरमाया। नबी पाक अली सलातो व सलाम फरमांदे ने, जदों अल्लाह पाक दा बंदा अल्लाह जुल जलाले वल कराम दा जिक्र करदा है अपनी जुबान दे नाल, एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़दा है, अल्लाह पाक जन्नत दे अंदर ओदे नाम दा एक दरख्त लगा देंदे ने। जे अजे भी तुसी सुभान अल्लाह ना पढ़ो ते किड्डी माड़ी गल, जरा खिच के कहो सुभान अल्लाह। मैं जानना मेरा दिल करदा है जन्नत दे अंदर तुहाडे भी दरख्त अज लग जान, मेरे भी दरख्त लग जान। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा जिक्र करदे रहिए, तज़किरा करदे रहिए। आइए जरा तवज्जो कीजिए, वो जन्नत जिहदे अंदर अल्लाह पाक ने घने बागात तैयार किए ने, अपने बंदियां वास्ते छांव तैयार कीती है। उसी जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने बंदियां वास्ते जन्नत दे अंदर नहरां भी तैयार कीतियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर तुहानूं मैं जन्नत दी सैर करावां ते रब दे कुरान दे विच्चों करावां। अल्लाह जुल जलाले वली कराम दे कुरान ने उन्हां नहरां दा बड़ा प्यारा नक्शा खिंचिया है। आइए जरा अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने माशालुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकूना फीहा अनहारुम मिम्माइन गैर यासिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगैर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज्जतिल लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ्फा। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ जेड़ी जन्नत है ना जिदा असी अपने मुत्तकी बंदियां नाल वादा कीता है, ऐ जेड़ी जन्नत है जेड़ी असी अपने मुत्तकी बंदियां नूं अता करनी है। अल्लाह फरमांदे ने फीहा अनहारुम मिम्माइन गैर यासिन, अल्लाह फरमांदे ने इस जन्नत दे अंदर पानी दियां नहरां पईयां चलदियां ने, साफ शफाफ ठंडे पानी दियां नहरां।
जन्नत दे अंदर चल दिया ने पईयां। अगे अल्लाह फरमांदे ने वा अनहारुम मिन लबन लम यतगयर तामुहु। अल्लाह फरमांदे ने ऐयो जन्नत ए जिस जन्नत दे अंदर साफ शफाफ दूध दियां नहरां पईयां चलदियां ने, खालस दूध दियां नहरां पईयां चलदियां ने। अल्लाहू अकबर कबीरा, असीं अज इत्थे दूध पीने आ मिलावट वाला दूध पीने आ, अल्लाह अल्लाह, या फिर पाउडर दे नाल बनाया गया दूध पीने आ। सानू पहचान नहीं, पिंडा तावां दे लोगां नू पहचान है। अल्लाह मेरी तौबा, तवज्जो कीजिए जरा, लोग जरा भी हया नहीं करदे दूध दे अंदर पानी पान लगे आ, पाउडर वाला दूध बेचन लगे आ। लेकिन मैं सदके जावां, कुर्बान जावां, कल कयामत वाले दिन जन्नत विच किसे नाल ज़ियाती नहीं होएगी, किसे नाल धोखा ते फराड नहीं होएगा। फरमाया मिल्ला बनिल लम यतगयर तामुहु। अल्लाह फरमांदे ने जन्नत दे अंदर दूध दियां नहरां पईयां चलदियां ने, दूध दियां नहरां पईयां चलदियां ने। वा अनहारुम मिन खमर लज़्ज़ति लिशारिबीन। ओ जन्नत, फरमाया इस जन्नत दे अंदर शराब दियां नहरां पईयां चलदियां ने। मैं सदके जावां, कुर्बान जावां, दूध दियां नहरां किते शराब दियां नहरां ते किते पानी दियां नहरां। चौथे नंबर ते फरमाया वा अनहारुम मिन असलिम मुसफ्फा। इस जन्नत दे अंदर शहद दियां नहरां भी चलदियां ने पईयां। ऐ चार किस्म दियां नहरां जिन्हां दा जिक्र अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर कीता, पानी दियां नहरां, दुध दियां नहरां, शराब दियां नहरां। अल्लाहु अकबर कबीरा, ते शहद दियां नहरां। शराब भी ऐसी जिदे अंदर नशा नहीं होएगा, जिदे अंदर बीमारी नहीं होएगी। शहद अज कल महंगा बड़ा होया पिया है, लेकिन अल्लाह दी कसम कयामत दे अंदर, कयामत वाले दिन जन्नत दे विच अल्लाह जुल जलाले वाली कराम ने शहद दियां नहरां चला देनियां ने। मेरे बंदेओ, गरीब सो दुनिया दे अंदर शहद चखना भी नसीब नहीं होया, दुनिया दे अंदर खालस दुध पीना नसीब नहीं होया, दुनिया दे अंदर मेरी रजा हासिल करन वास्ते शराब नहीं जे पीती। आओ अज सारियां नहरां तुहाडे सामने पईयां चलदियां ने, जो दिल करदा ए पीती जाओ ते बार बार पीती जाओ। उस जन्नत दे अंदर कोई रोक थाम नहीं होएगी। ए नहीं कि एक मर्तबा जेड़ी चीज खा पी ली दोबारा नहीं खा सकदे। आइए जरा तवज्जो कीजिए, केड़ी जन्नत दे जेड़ी अल्लाह पाक ने अपने बंदियां वास्ते तैयार कीती है। अल्लाह अल्लाह, कीती रब प्यारियां लई जन्नत तैयार। आजा आजा कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। ओए कीती रब प्यारियां लई जन्नत तैयार। आजा आजा कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। उच्चे उच्चे सोने सोने कोठियां मांगल ने, खिदमत तेरी लई गिल मान पल पल ने। खामने नू मिठे ते सोने सोने फल ने, कीते सेब कीते केला कीते है अनार। आजा 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 कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। कीती रब प्यारियां लई जन्नत तैयार। और उड्डन वाले ऊंट घोड़े तेरियां सवारियां, लैके ते मारनगे जन्नत उडारियां, लैके ते मारनगे जन्नत उडारियां। भुल जासी दुनिया दियां सब सवारियां, होवेंगा तू खुश वेख जन्नत दी बहार। आजा 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 कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। कीती रब प्यारियां लई जन्नत तैयार। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दी सलातो व सलाम फरमांदे ने,
जिवें अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया ना जन्नत दियां नहरां दा, नबी पाक अली सलात व सलाम फरमाते ने जन्नत के अंदर सिर्फ जन्नत के अंदर यह दुध दियां शराब दियां शहद दियां नहरां ही नहीं होणगियां, बल्कि नबी पाक फरमाते ने जन्नत के अंदर पानी वाला समुंदर भी होएगा, जन्नत के अंदर दुध का समुंदर भी होएगा, शराब का समुंदर भी होएगा, शहद का समुंदर भी होएगा। फिर उस समुंदर दे विचों नहरां निकलणगियां, उन्हां नहरां तो फिर चश्मे निकलणगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उन्हां चश्मियां दा जिहड़ा पानी होएगा, जिहड़ा दुध होएगा, जिहड़ी शराब होएगी, जिहड़ा शहद होएगा, वह जन्नतियां दे घर दे कोलों गुजरेगा। जदों मर्जी चाहन, जदों मर्जी दिल करे पानी पीन दा पानी पी लैन, दुध पीन दा दुध पी लैन, शराब पीन दा शराब पी लैन, शहद पीन दा खान दा शहद भी खा पी लैन। ये नहरां अल्लाह पाक ने अपने जन्नती बंदियां वास्ते बनाईयां ने, और जन्नतियां नूं अल्लाह पाक ये नहरां अता करनगे। आइए जरा तवज्जो कीजिए, हुण अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर जिथे इन्हां नहरां नूं तैयार कीता है, हुण अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर अपने बंदियां वास्ते घर भी बनाए ने, अपने बंदियां वास्ते महल्लात भी बनाए ने। और महल्लात कैसे ने, बड़े ऊंचे ऊंचे महल, मंजिल ते मंजिल अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर भी बनाई है। जिवें इत्थे इंसान पसंद करदा है मेरे घर दियां दो मंजिला होण, तीन होण, चार होण, जिन्ना ऊंचा घर हुंदा है, जिन्ना वड्डा घर हुंदा है, उन्ना सोहणा लगदा है। इसे तरह अल्लाह पाक ने भी अपने बंदियां वास्ते, अपने बंदियां वास्ते महल्लात नूं तैयार कीता है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनु व अमिनुस्सालिहाति लानुबव्वी अन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया ओ लोग जेडे ईमान लेके आए, नेक अमल कीते, नेक अमल कीते, लानुबव्वी अन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी कयामत वाले दिन जन्नत दे अंदर उन्हां वास्ते बुलंदो बाला इमारतां तैयार कर रखियां ने, बुलंदो बाला इमारतां दे अंदर अल्लाह पाक दे ओ बंदे रहणगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने व मसाकिना तय्यिबतन, अल्लाह फरमांदे ने असीं इन्हां नूं पाकीज़ा मकान अता कर देंगे, जिस घर दे अंदर कोई गंदगी नहीं होएगी, जिस घर दे अंदर कोई गंदगी नहीं फैलेगी। अल्लाह पाक अपने बंदियां नूं ओह घर अता करनगे, और जिहड़ियां इमारतां होणगियां ओह भी सोने ते चांदी दियां होणगियां, जिहड़ियां इमारतां होणगियां अल्लाह पाक ओह भी सोने दियां बना देणगे, चांदी दियां बना देणगे। मैं सदके जावां कुरबान जावां अपने बंदियां वास्ते, अल्लाह पाक ने किन्नियां नेमतां बनाईयां ने, किन्नियां नेमतां अल्लाह पाक ने तैयार कर रखियां ने। अल्लाह पाक ने उन्हां अपने बंदियां नूं घर भी अता कर दिता है, घर दे सामने नहरां भी अता कर दित्तियां ने, ते घर दे इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने दरख्त बागात जंगलात भी अता कर दिते ने। इंसान पसंद करदा इस तरह दियां चीजां नूं, तुसी वेंदे नहीं हो लोग सैर करन वास्ते जांदे ने, कोई मरी जा रहे है, कोई नरान कगान जा रहे है, कोई सवाद जा रहे है, उत्थे बड़ी बेहतरीन बड़ी प्यारी हरियाली है। लोगों का दिल करदा असी अपना घर जेड़ा ना इस हरियाली के इर्द गिर्द खरीदिए, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने दिता है इस तरह ही करते हैं, इन्हां इलाकियां के अंदर जाके रहिंदे ने। हुण अल्लाह जी तुहाडे बंदे पुछदे ने तुसी सानूं जन्नत के अंदर महल्लात भी दे दिते, जन्नत के अंदर दरख्त भी आले दुआले घर के मौजूद ने, जेड़े घर ते छाओं करके रखते ने। अल्लाह नहरां भी चल पईआं, अल्लाह क्या जन्नत विच एसी भी होएगा। इत्थे गर्मी नाल मत वज जांदी है, गर्मी नाल पसीनो पसीने हो जाईदा है। अल्लाह तेरे बंदे पुछदे ने जन्नत दे विच एसी भी होएगा। अल्लाह पाक ने अपना कुरान नाजिल फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने ला
يرون فيها شمسا ولا زمهريا. اللہ پاک نے جنت دے موسم دا ذکر کیتا، اللہ پاک فرماندے نے اس جنت دے اندر نہ تھانوں گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت اینوں ہی تے جنت کیا جاندا اے، جس جنت دے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس جنت دے اندر کوئی رنگ نہ کوئی رنج نہ پہنچے. فرمایا اس جنت دے اندر نہ تھانوں گرمی لگے گی نہ تھانوں سردی لگے گی. اللہ پاک موسم نارمل کر دین گے، جویں دا چاہو گے موسم اویں دا ہو جائے گا. نہ تپ دی گرمی ستائے گی، نہ ہی سردی ستائے گی، نہ ہی سردی ستائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، اے کیڑی جنت اے؟ فرمایا اس جنت دے وچ اسی اپنے بندیاں نو کوئی تکلیف نہیں دیاں گے، ساڈے بندیاں نو کوئی مشقت نہیں آئے گی. اللہ ذل جلال ول کرام اپنے بندیاں نو جنت دی اندر داخل کرن تو پہلے اللہ پاک ابدی جوانی عطا کر دین گے. اللہ پاک دے اے بندے ہمیشہ جوان رہن گے، اللہ پاک ابدی حسن عطا کر دین گے. اللہ پاک دے اے بندے ہمیشہ حسین و جمیل رہن گے. اللہ پاک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا قد عطا کر دین گے. میں صدقے جاواں قربان جاواں، جسم دے تو ساری نجاست ختم ہو جائے گی، نہ ہی تک آئے گی، نہ ہی کوئی پخانہ پیشاب آئے گا. اللہ ذل جلال ول کرام اپنے بندے نو اگر جویں اج بنایا اس طرح بنا سکدے نے تے اللہ چاند تے تبدیلیاں وی کر سکدے نے، اللہ چاند تے کچھ وی کر سکدے نے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، آواز لگان والا ایک آواز لگائے گا، کہے گا تواڈے لئی مقرر کر دتا گیا ہے کہ تسی ہمیشہ صحت مند رہو گے، تانوں کدی وی کوئی بیماری نہیں چھوے گی، تواڈے لئی مقرر کر دتا گیا ہے، تانوں کوئی تھک نہیں آئے گی، کوئی پیشاب پخانہ نہیں آئے گا، تسی کدی بڈھے نہیں ہو گے، تسی ہمیشہ جوان رہو گے، تے تانوں کدی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ لئی تواڈے واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے، او جنت جتے وچ کسے قسم دی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسے قسم دا کوئی غم نہیں پہنچے گا، کسے قسم دا کوئی رنج نہیں پہنچے گا. ایتھے غماں دی وجہ تو پریشانیاں دی وجہ تو جوان دے سر تے وی چٹے وال آ جاندے نے. فرمایا او رب دی جنت، او اللہ دی جنت جتے وچ کسے قسم دی کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. آئیے حضرات توجہ کیجیے حضرات، وقت تھوڑا تے گلاں بڑیاں دے یاد آ. او جنت کیڑی جنت اے؟ جس جنت دی وسعت وی اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائیے. او جنت کتنی لمبی ہوئے گی تے کتنی چوڑی ہوئے گی؟ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا و ساریوں الی مغفرتیم من ربکم و جنتین ارضھا السماوات والارض وعدت للمتقین. اللہ فرماندے نے او جڑی جنت اسی تیار کیتی ہے، ارضو السماوات والارض، اللہ فرماندے نے اس جنت دی وسعت اتنی زیادہ ہے جتنا خلا آسمان تے زمین دے درمیان ہے، جتنا خلا آسمان تے زمین دے درمیان ہے، اس تو بھی زیادہ جنت دی وسعت ہے. جنت دی وسعت دا تذکرہ، جنت دی لمبائی چھڑائی دا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو میں اس بندے نو جاننا وا جڑا سب تو آخر تے جنت دے اندر جائے گا، سب تو آخر جہنم وچوں نکال کے جنت دے اندر جڑا بندہ جائے گا. نبی پاک فرماندے نے ایک بندے نو اللہ دوزخ جہنم تو نجات دے دین گے تے اللہ کہن گے جا چلا جا، جا چلا جا، جا کے میری جنت دے اندر داخل ہو جا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وہ بندہ
ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਗਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਏਗਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਪੈਗਾ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖਤਾਕਾਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਜਿਤਨਾ ਖਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਨਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਕੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੈਂਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਇੰਜੀ ਤਖਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੱਜੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਤਖਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੱਜੇ ਨੇ ਵਾ ਨੂਰ ਮੀਨਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਔਰ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਜ਼ਾਰੋ ਸੀ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਜ਼ਾਰੋ ਸੀ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਦਾਰੋ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਜ਼ਾਰੋ ਸੀ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਦੀਦਾਰੋ ਸੀ ਵਾ ਵਾ ਗਿਫਟ ਪਿਆਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾ ਵਾ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਫਾ ਵਾਕੀ ਗਾਮੀ ਮਾ ਯਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਚਾਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਖੁਲੂ ਅਸ਼ਰਬੂ ਹਨੀਮ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਲਹਮੀ ਤੈਰੀ ਮਿਮਾ ਯਸ਼ਤਾਹੂਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਿਲਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਿਸ ਪਰ
परिंदे दा कहेगा जिस जानवर दा कहेगा उन्हों वो गोश्त ही खिलाया जाएगा। फिर जन्नत दे अंदर जनतियां नू लिबास भी पहनाया जाएगा, सोने ते चांदी दे कंगन पहनाए जाएंगे, सबज रंग दा लेशमी रेशमी लिबास अल्लाह पाक जनतियां नू पहनाएंगे। और जनती जनती उस जन्नत दे अंदर नफरत नहीं होएगी, एक दूसरे दे मुतलक दिल दे अंदर कीना नहीं होएगा, एक दूसरे दे मुतलक दिल दे अंदर बुगद नहीं होएगा। वो जन्नत जिदी अंदर कोई भी बेहुदा कलाम नहीं करेगा, ला यस्माउन फीहा लगवा वाला तासीमा, कोई भी बुरी बात नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे नु बुरा भला नहीं कहेगा। उस जन्नत दे अंदर ते खूबसूरत गल्लां होणगियां। ओ जन्नत केड़ी जन्नत है, वहूरुन इन कामसाल लूलुल मकनून। अल्लाह पाक उस जन्नत दे अंदर जनतियां नु हूरां अता करनगे, ओ हूरां जिन्हां नु अज तो पहले किसे नहीं वेख्या होएगा, अज तो पहले किसे नहीं तकिया होएगा। ओ जन्नत है जिस जन्नत दे अंदर जुमे दा बाजार लगेगा, ते जदो जनती जुमे दे बाजार दे अंदर जाणगे, ते जुमे दे बाजार दे अंदर एक हवा चलेगी, कट्टा ते मट्टी मुंह ते पएगी। ते अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर फरमांदे ने उस कट्टे ते मट्टी दे मुंह ते पैन दे नाल अल्लाह पाक जनतियां दे हुसन दे अंदर इजाफा कर देणगे। ओ कट्टा मट्टी जन्नत वाला जेड़ा है जदों भी जनतियां दे मुंह ते पएगा अल्लाह पाक हुसन दे अंदर इजाफे कर देणगे। उस जन्नत दे अंदर फरमाया हर एक ख्वाहिश जनतियां दी पूरी कीती जाएगी। आज जरा तवज्जो कीजिए, आखिरी दो गल्लां करां ते अपनी बात नू खत्म करां। आखिरी दो नेमतां जिहड़ियां अल्लाह पाक जनतियां नू जन्नत दे अंदर अता करनगे, सब तो पहले नंबर ते अल्लाह पाक जनतियां दे कोल आणगे ते अल्लाह पाक आके सवाल करनगे, ओ मेरे जनतियो जी जी रब जी की आडर है, जी जी अल्लाह जी की लाने। अल्लाह फरमाणगे मेरे जनतियो मेरे ते राजी हो, किसी होर चीज दी लोड़ ते नहीं। जनती अक जुबान हो के आखणगे अल्लाह असी तेरे ते राजी हां, सानू किसे होर शै दी लोड़ कोई नहीं, सानू किसे होर चीज दी लोड़ कोई नहीं। तेरियां नेमतां बड़ियां ज्यादा ने, तेरियां नेमतां वाफर मकदार दे अंदर सानू मिल गईयां ने। ते अल्लाह पाक जनतियां नू मुखातब करके कहणगे, ओ मेरे जनतियो अज मैं तुहानू जन्नत दी सब तो बड़ी नेमत अता करन लगा वां। जनती आखणगे अल्लाह जी ओ केड़ी नेमत है, अल्लाह फरमाणगे ओ मेरे जनतियो मैं रब अज दे दिन तुहाडे ते राजी हो गया वा, अज तो बाद कदी तुहाडे तो नाराज नहीं होवांगा, मैं रब तुहाडे ते राजी हो गया वा, अज तो बाद मैं कदी तुहाडे नाल नाराज नहीं होवांगा। ते नबी पाक अली सलातो सलाम फरमांदे ने जदों जनतियां नू सारियां नेमतां मिल जाणगियां फिर अल्लाह पाक जन्नत जनतियां ते अपने दरमियान जिहड़ा पर्दा होएगा उस पर्दे नू हटा के ते जनतियां नू अपना दीदार करवा देणगे। कितना प्यारा मंजर होएगा, कितना सोना मंजर होएगा। जिस रब दियां इबादतां बगैर वेखे ही करदे रहो, जिस रब नू वेखिया नहीं, जिस रब नू तकिया नहीं, फिर भी उस रब दियां इबादतां करदे रहो, फिर भी उस रब दे आखे लगदे रहो, फिर भी उस रब दियां गल्लां मनदे रहो। कल कयामत वाले दिन जदों अल्लाह पाक अपने जनती बंदियां नू अपना दीदार करवाणगे ते जनती सारियां नेमतां ही भुल जाणगे। ऐ सब तो बड़ी नेमत होएगी जनतियां वास्ते अल्लाह दा दीदार नसीब होना। ते नबी पाक फरमांदे ने लोगो जदों भी अल्लाह कोलो सवाल करिया करो, जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करिया करो, खली जन्नत ना मंगिया करो, जन्नतुल फिरदौस मंगिया करो, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस दे विच रह के जदों भी बंदा अपना चेहरा उतानू चुकेगा ते अल्लाह पाक दा दीदार नसीब हो जाएगा। अल्लाह कोलो दुआ करिया करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाह असी सारे तेरे कोलो जन्नतल फिरदौस दा सवाल करने आ। अल्लाहु अकबर कबीरा, केड़ी जन्नत है केड़ी जन्नत है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। केड़ी
ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਹਿਦ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੰਨਤੀ ਖਾਂਦੇ ਵਨ ਤੇ ਸਵਲੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਉੱਥੇ ਐ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਉੱਥੇ ਐ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਅਲੀਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਸਦਕ ਰਸੂਲੁਹੁ ਨਬੀਉਲ ਕਰੀਮ ਵਨਹਨੁ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਵਸ਼ਾਕਿਰੀਨ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।